सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल है? उम्मीद करते हैं तुसी सब लोग कोविड तो बचे होंगे। सारे परिवार लगता है कि एक दो दिन की कोई रोकथाम थोड़ी कोविड घटिया लगता है, बट नॉट कन्फर्म, क्योंकि पिंडा दे विच सैंपलिंग हो रही है लेकिन कोविड केसेस आ रहे हैं, लेकिन हफड़ा दपड़ी थोड़ी जी घटी है। बट पूरा नतीजा है, मैं लगता कि तुसी सारे प्रिकॉशन लै रहे हो घर चो, चंगी गल है। सो अज भी मैं क्लीयर किया कि सरकार वालों किसी ते कोई पाबंदी नहीं, आपदे पूरा काम ना चले। सो कोई भी बंदा पिंडा च दिहाड़ी ते शहर च कोई कारोबार आपदा करदा तो कर सकदा है, उरे ते कोई रोकथाम नहीं है। गाइडलाइन है सरकार दियां, सेंटर सरकार दियां, जिवें कि जिथे ज़्यादा केसेस आ जांदे हैं, 200 दे लगभग जिवें भूंदड़ केसेस आ गए सी, 150 तो पौने 200 साढ़े गिदड़बा हल्के च, उन्हां नूं असीं बाहरों बंदा आने पर उन्हें रोक ला दी जाती है, लेकिन पिंड के बंदे घर च रहन तो घर तो बहर जिथे भी उन्होंने काम आपका जाना है वो खेत बन्ने कितने जा सकते हैं, उन्होंने किसी प्रकार की कोई रोक थोक नहीं है, क्योंकि रोजाना खेतों च भी किसान जा रहे हैं। सो एक तो मैं क्लीयर करना सी। दूसरा, अगर इंजैक्शन लवा लोगे तुसी तो बहुत चंगी गल है। अज किसी भाई साहब ने कहा कि इंजैक्शन लाने जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन इंजैक्शन लवा लेना चाहिए। मैं तो ऑलरेडी सैकेंड डोज भी लगा चुका हाँ। सो अगर थोड़े इंजैक्शन लग्या होएगा तो थोड़े लिए बेहतरीन होएगा, करोना दे इस महामारी नूं चलना। सो उम्मीद करते हैं कि तुसी सब लोग ये कर रहे होंगे, और नाल ही नाल किसी प्रकार की किसी परिवार को दिक्कत होवे, किसी को राशन दी, किसी को किसी गल दी, जिथे ना होवे उथे तुसी कृपा करके वार्ड च एमसी साहबाना नूं और पिंड दे विच सरपंच साहब नूं दस दो, असी उथे राशन भी पहुँचा देंगे। सो ये तमाम सूचना दे नाल नाल मैं डॉक्टर साहबाना का भी बहुत धन्यवादी हैं कि बहुत सारे डॉक्टर साहबान बहुत चंगा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर साहबाना ने धंधा भी बना लिया। सो मेरी बेनती है, खास करके बठिंडा दे विच थोड़ियां शिकायत ज़्यादा आ रही हैं, माफ़ी चाहना है बठिंडा वाले, क्योंकि बहुत डॉक्टर साहबान जिन्होंने असी फोन करीदा है बहुत प्यार देंदे है, सत्कार करते हैं और पैसे भी नहीं लेंदे, बट लेकिन कई हॉस्पिटल्स ऐसे है जितों खबर आ रही ने कि वो लोगों का तो इन्ने ज़्यादा पैसे लेंदे कि लोग वो पैसा दे नहीं सकते। सो मेरी उन्होंने बेनती है, क्योंकि सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की हैं कि रेट्स जिहड़े तुसी हैं जिहड़े हॉस्पिटल्स दे रेट्स है वो बार आपदे हॉस्पिटल दे बार फ्लैश करो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन है। सो मेरी तमाम भरावां नूं डॉक्टर साहबाना नूं बेनती है जिहड़े कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पैसे दी रेट लिस्ट वो बार लाओ ता जो लोगों नूं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके, वो उन्हां नूं ये ना लगे कि सानूं कोई साढ़े नाल धक्का कर रहे। और जनता नूं बेनती करनी चाहुंदा कि अगर किसी तो भी नजायज़ गवर्नमेंट दियां गाइडलाइन तो बाहर जाके कोई डॉक्टर साहबान थोड़े तो कोई हॉस्पिटल नजायज़ पैसा ले रहा है तो कृपा करके वो साडे नाल संपर्क करे, साडी हेल्पलाइन जिहड़ी कि हॉस्पिटल्स दित्ती हुई है जां साडे लोगों के जिहड़े नंबर है उत्थे दसे, बेशक वो कितों दा भी केस है असी उहदी लड़ाई लड़ांगे और डॉक्टर साहबान नाल गल करके उन्हों घटावे जा फिर एडमिनिस्ट्रेशन इतला देंगे। सो उम्मीद करते हैं कि तुसी सारे इन गलों पर इन्हों जिम्मेदारी ना निभाओगे और
विचारोगे। सो इहदे नाल नाल अज दा जिहड़ा मुख मुद्दा है वो ये है कि कल रात नूं शराब दी एक बादल पिंड दे विच काफ़ी नजायज़ भारी मात्रा दे विच शराब दे डब्बे, शराब दे लेबल्स, अलग अलग कंपनियां दे लेबल्स, कैप्स, स्टिकर्स, बॉक्सेस, रॉ मटीरियल शराब नूं बनाउण वाला वो काफ़ी मिले है बादल पिंड चों। दुनिया बादल पिंड दा नाम बहुत मशहूर है, जानदी है, और मैं इस गल ते हैरान है कि छोटी तो छोटी खबर बादल साहब दा जिहड़ा डब्बू है, तुहानूं पता है डब्बू कौन है? बादल साहब दा जिहड़ा डब्बू है वो चला दिंदा छोटी तो छोटी खबर। लेकिन मैनूं लगदा कि बादल साहब दे डब्बू ने खबर नहीं चलाई, क्यों? इहदे पिछे की राज है? घट चलाई। दूसरा, कोई भी बादल ने शराब इन्नी भारी तादाद विच समान मिलिया होवे ते किसे भी बादल दी कोई टिप्पणी नहीं, ना हक च ना खिलाफ, कीरे तो शराब मिली, कौन है, किथे है, कौन सी, किवें मिली, किन्ने भोले है बादल परिवार वाले, देख लो सर लोको, इन्हां नूं पता ही नहीं लग्या कि इन्हां दे पिंड विच की हो रहा है, की चल रहा है। सो कोई टिप्पणी नहीं आई, किसे दी कोई टिप्पणी, ना वड्डे दी ना छोटे दी, किसे बादल दी कोई टिप्पणी नहीं। आई डोंट नो क्यों ये क्यों किया, एड्डा वड्डा बादल परिवार है फैलिया हुआ है। सो मैं समझदा कि एरा मतलब सारे बादल कट्ठे। सो तुसी समझ सकते हो कि क्यों नहीं उन्होंने टिप्पणी की, नहीं तो हूँ छोटी जी घटना हो जाती, कोई मेरे अर्गे की घटना हो जाती तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी सी किसी ना किसी ने, जां किसी ना किसी ने आके प्रचार कर लेना सी, कोई ना कोई ग्रुप बना के उरे दे विच फ्लैश कर देनी सी। इस करके इन्हां लोगों का एक है और ये चाहते हैं कि जे कोई होर बंदा कोई गलत होर कोई ऐसा काम करेगा जां होर कोई खिलाफ साडे बोलेगा तो उन्हें दबा लिया जाएगा, पर अगर साडे ही किसी व्यक्ति की गल होगी तो फिर असी कट्ठे हो जाएंगे सारे। सो मैनू लगता कि तवज्जो देने की लोड़ है, नहीं तो पिंड दे विच छोटी जी गल होवे पिंड दे सरपंच नू टिप्पणी करनी जरूरी हो जाती है भी भाई साढ़े पिंड दे विच आ हालात होए, अज एक व्यक्ति ने भूंदड़ पिंड च टिप्पणी की, साडा सरपंच भी बोलिया, चेयरमैन भी बोलिया, मैं भी बोलिया, लेकिन हौली हौली दसूंगा इहदा राज की है, कारण की है, क्योंकि हजे सरकार तो मंग है मेरी कि बेनती है सरकार नूं कि इहनूं रोल गदोल ना कर दिता जावे, चंगी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट, मैनूं पूर्ण यकीन है वीनू प्रसाद जी ते ईमानदार ऑफिसर ने रजत अग्रवाल जी ते कि चंगे लोग ने और इहदी घोक पड़ताल जरूर करनी है कि इहदियां तारां कित्थों तक जुड़दियां हैं, तेरा किंग पिन कौन है, ते जे लब्भण च कोई दिक्कत होई तां उह राजा वड़िंग सानूं दसेगा। सो फिर मिलांगे इस गल ते, फिर दोबारे गल करांगे इस मुद्दे ते, लेकिन मेरी बादल परिवार दे ते बादल पिंड दे उना लीडर साहबाना नूं बेनती है कि इस मुद्दे ते जरा अपनी अपनी टिप्पणी जरूर दिओ, और नहीं तो वैसे तो लोगों नूं पता ही है कि तुहाडा पूरे पंजाब दे विच किस मजबूती दे नाल तुसीं एक दूजे की मदद करते हो। सो जरा इहदे बारे गौर फरमायो ते दस्सियो, ठीक है जी, कि कौन है बंदा
ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਡੱਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਤੋਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਡੱਬੂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀਯੋਗ ਭਰਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਉਨਾ ਬਚੋ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।